वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो आपके लिए जो रहेगी वो रहेगी कि एडमिशन रिलेटेड हमने वीडियो लाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके पूछा, इसके अलावा हमें मैसेज करते हैं कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है लेकिन हमें ज्यूरिंग सबमिशन ऑफ फॉर्म हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हमें उसके लिए एक वीडियो चाहिए। तब हमने सोचा कि हम इनके लिए जो भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी इंडिया में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लूँ तो वो खुद अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से फिल फॉर्म कर सकता है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, कितना फीस लेना है, वो हम आपको इस वीडियो में डिटेल में दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको समझ आएगा कि कहाँ पे आपको कौन सा प्रोसेस करना है। चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है, चाहे आप अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, जहां पे भी आपने लिंक लिखनी है HTTPS, या ये जो यहाँ पे लिंक है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आपने डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करनी है और सीधे एंटर करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पेज यहाँ पे ओपन हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET 2021। यहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आसाम यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, साउथ बिहार, तमिलनाडु, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी या कहीं भी आपने एडमिशन करना है, उसके लिए सबसे आप पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे यहाँ पे दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर CUCET, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एक नया इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ पे दिया गया है साइन इन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है और कोई पेंडिंग आपने रहा है कोई भी चीज, जैसे फीस अभी सबमिट नहीं किया, तब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिया गया हो, पासवर्ड और जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है ये यहाँ पे देना और साइन इन करना है। लेकिन जो न्यू है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने क्या करना है कि सबसे पहले अप्लाई यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद फी क्या है कि वो सबमिट करना है। सबसे पहले हम करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हमें एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे हमें दिखाता है कि अगर आप जनरल या EWS OBC है तब आपने 800 फी पे करना है, अगर आप SC ST और ट्रांसजेंडर है तब आपने 350 पे करना है, या अगर आपको कोई डिसेबिलिटीज है तब आपने कोई भी फी पे नहीं करना है। ये सब आपको डिटेल्स पढ़ने हैं। हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम यहाँ पे टिक करके यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है, मैं अपनी डिटेल्स फिल करता हूं। सबसे पहले अपना जो आपका नाम है, कैंडिडेट्स नेम वो देना है, उसके बाद फादर्स का नेम, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद DOB, उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी, ये सब डिटेल जो आपने फिल करनी है, ये अकॉर्डिंग टू क्या करनी है कि अकॉर्डिंग जो आपकी मार्क्स का डिटेल्स 10th की है उसी हिसाब से अपनी डिटेल्स नहीं देनी है। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी टाइप ऑप्शन पे आपने करना है कि आप आइडेंटिटी टाइप कौन सा, अगर आपके पास आधार कार्ड है आप आधार दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, आप कोई भी दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आधार कार्ड हर किसी के पास होता है, आप आधार नंबर और यहाँ पे खाली आपने क्या करना है कि जो लास्ट के 4 डिजिट्स है वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ भी मैं यहाँ पे देता हूँ लास्ट 4 डिजिट। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस देना है, आप रहते कहाँ पे हो, सारा एड्रेस देना है, लोकेलिटी क्या है, इसके बाद कंट्री क्या है, आपकी स्टेट क्या है, इसके बाद जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है आपने वो डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट देना है, ईमेल देनी है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करनी है, तो या अगर आप रहते कहीं और है और इस वक्त कहीं और है तो आप यहाँ पे टिक नहीं, आपको वो डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद पासवर्ड चूज करना है, पासवर्ड में क्या होना चाहिए कि आपने एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, कैपिटल लेटर्स ऐड करने हैं, यहाँ पे आपको दी गई है कि ये सब चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। पासवर्ड जो होना चाहिए 8 to 13 डिजिट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी आ रहा था कि वो पूछ रहे हैं कि पासवर्ड ले ही नहीं रहा,
आपने क्या करना है, लोअर केस अपर केस न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी देने हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके यहां पे आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है कि आपके यहां पे कोई भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं चूज फेवरेट बुक कौन सी है, मैं लिखता हूं प्रोग्रामिंग। उसके बाद यहां पे जो सिक्योरिटी पिन है ये आपको ये मांग रहा है, तो ये आपने एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऐसे इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा जहां पे आपने ये देखना है कि आपकी जो डिटेल्स है क्या वो करेक्ट है। अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट है आपने यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री करना है, टिक करनी है। वरना अगर आपने यहाँ पे एडिट फॉर्म करना है आप एडिट भी कर सकते हैं। माई नेम यहाँ पे आपने टिक करना है, माई नेम आपका नेम देखना है, उसके बाद टिक करना है फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB चेक करना है, जेंडर करना है, एड्रेस करना है। ये सब चेक करने के बाद आपने यहाँ पे उस चीज पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आई एग्री, अगर आप एडिट करना चाहते हो, अगर आपकी कोई भी डिटेल जो आपने दी है उसमें कोई डिफरेंस है तब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एडिट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करता हूँ क्या फाइनल सबमिट, ये दिखा रहा है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली यस, क्योंकि मैंने देखी कि मेरी जो डिटेल्स है वो करेक्ट है तो मैंने यहाँ पे यस पे ऑप्शन किया। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा जहां पे आपको दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका कंप्लीट हुआ है। अभी आपने क्या है एप्लीकेशन फॉर्म जहां पे आपको सारी डिटेल्स देनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी पेमेंट, सबसे पहले ये आपको क्या मिला है कि एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आपने करना है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अभी तक जो आपकी आईडी है वो तो क्रिएट हुई है, अगर आप चाहे आप अभी एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल भी करना है, ईमेल भी करना है, वहां पे आपको OTP और जो आपने पासवर्ड रखा विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आप अपने फॉर्म को साइन इन कर सकते हो और आप कोई भी डिटेल जब चाहे आप वो फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूं कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने डोमिसाइल देखना है कि ये यहाँ पे कहाँ की है, मैं देता हूँ जम्मू कश्मीर। उसके बाद कैटेगरी क्या है जनरल, उसके बाद दिखा रहा है कि डिसेबिलिटी नो, दिखा रहा है कि सपोर्ट्स कोटा नो, उसके बाद एक्स सर्विस मैन यहाँ पे नो, अगर यस है तो यस, रिलीजन दिखा रहा है मेरा मुस्लिम है, अगर स्टेट्स ऑफ एम्प्लॉय आपको दिखाना है अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड जो भी हो आप, यहाँ पे कश्मीर माइग्रेट नो करना है सिलेक्ट, अगर आप यस है तो यस। अप्लाई फॉर आपने अप्लाई किस लिए करना है ये ऑप्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपने अप्लाई UG एंड जो प्रोग्राम होते हैं 12 प्लस के, क्या आपने उसके लिए अप्लाई करना है या आपने PG कोर्स के लिए, मैं देता हूं क्लिक PG कोर्स के लिए। तब आपने क्या करना है कि टेस्ट पेपर कौन कौन से यहां पे, फॉर एग्जांपल PG ये आप दे सकते हैं, यहां पे टेस्ट पेपर्स कौन कौन से आपको जरूरत है, मैं देता हूं 2-4 पे मैं सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कि एग्जाम सेंटर फर्स्ट, सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर कहाँ पे चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा एग्जाम सेंटर जो सबसे नजदीक हो वो मेरा पड़ता है श्रीनगर, मैं देता हूँ श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर सबसे पहले आपने देना है कि स्टेट, उसके बाद देनी है कि सिटी, आप कहीं पे भी दे सकते हो, चाहे बारामुल्ला में, जम्मू में, पुलवामा, सांबा, श्रीनगर, आप कहीं पे भी सेंटर दे सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं देता हूँ यहाँ पे श्रीनगर। उसके बाद सेकंड दिखा रहा है सेकंड कहाँ पे, मैं सेकंड टाइम भी देता हूँ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ये सेकंड टाइम भी दिखाएगा कि आपने कौन सी सिटी देनी है, कहाँ पे आपने एग्जाम देना, मैं सेकंड टाइम देता हूँ पुलवामा। थर्ड टाइम भी आपने देनी है कि थर्ड पे कहाँ पे आप लेना चाहते हो, मैं देता हूँ जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे मैं एग्जाम सिटी जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ श्रीनगर। श्रीनगर तो मैंने ऑलरेडी किया है, मैं करता हूँ यहाँ पे बारामुल्ला। उसके बाद लास्ट जो कहता है मैं देता हूँ जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ जम्मू। उसके बाद आपने 10th की डिटेल्स देनी है, पास्ट किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका वो आपने यहाँ पे 10th की डिटेल्स देनी है, यहाँ पे 12th की डिटेल्स जो भी है जैसे दिखा रहा है कि पास यस दिखाना है। उसके बाद पासिंग कब की है, कोर्स स्ट्रीम कौन सी थी, उसके बाद ग्रेजुएशन की सारी डिटेल देनी है,
उसके बाद अगर आपने कोई एग्जाम किया है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे गेट, जीपीएट या अदर एग्जाम जो भी आपने क्वालिफाई किया है आप वो यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया। उसके बाद आपने यहाँ पे दिखाता है कि पेरेंट्स इनकम, फादर्स मदर्स या गार्डन, कोई भी आपने उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है और एनुअल इनकम उनकी क्या है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देना है और यहाँ पे सबमिट करना है। मैं करता हूँ फॉर्म अपनी डिटेल्स फिल। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेम प्रोसीजर करना है कि हर एक पे यहाँ पे टिक करना है, कि आपने देखना है कि आपका नाम जो आपने यहाँ पे डिटेल दी है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट करना है। यस उसके बाद आपको नया इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपने अपने अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स है वो करने हैं, आपने एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। मैं करता हूँ अपना फोटो चूज और यहाँ पे मैं सिग्नेचर करता हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम साइज यहाँ पे 100 KB होना चाहिए और दोनों का मैक्सिमम 100 और 4 KB से। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी इमेज को क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है, आप सीधे यहाँ पे वेबसाइट पे लिख सकते हैं कि इमेज कॉम्प्रेशन। इमेज कॉम्प्रेशन के बाद आपने इस वेबसाइट पे जाना है और आपने डायरेक्ट यहाँ पे पहली जो वेबसाइट आएगी उसी पे क्लिक करना है। वहां पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, उसके बाद जितना चाहो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी करके रखा है तो मैं यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन देना है, उसके बाद सबमिट करना है। इसने यहाँ पे दिखाया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सक्सेसफुली क्या हुए कि वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हुए। उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है कि फी करना है पे। उसके लिए आपने फी जो पे करना है वो करना है 1000। अगर आपने एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने या फॉर्म आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे पी 1000। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करेंगे। आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, सिक्योरिटी पिन देना है, उसके बाद ओटीपी सेंड करना है। ओटीपी सेंड करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होगा। उसी तरह अब आप चाहते हैं कि ईमेल भी वेरीफाई हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने ईमेल पे जाना है। आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई दिखा रहा है, इसी तरह ईमेल भी वेरीफाई करनी है। ईमेल आईडी आपने देनी है, उसके बाद वेरीफाई करवाना है। उसके बाद आप चाहते हो कि आप अपने एप्लीकेशन का प्रोग्रेस स्टेटस कोई भी देखना चाहते हो, उसके बाद आपने फी पे करना है। फी पे करने के लिए आपने यहाँ पे फे एग्जामिनेशन फी 1000 जो करना है उसके बाद करना है ऑनलाइन मोड, उसके बाद करना है प्रोसीड फॉर पेमेंट।
उसके बाद आपने यहाँ पे दिखाना है कि आपने कहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मुझे पेटीएम से करना है, मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे पेमेंट जो है उसका फोन नंबर देना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी देना है। तो उससे क्या होगा कि आपने जो फी किया सबमिट वो आपको मैसेज आएगी। ये यहाँ पे था कि आपने सीयू सीट का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है वो कैसे आपने फिल करना है। अब आप चाहते हो कि आपने अपनी जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसके लिए आप चाहते हो कि आपने देखनी है कि कहाँ पे आपका फॉर्म स्टेटस क्या है, प्रोग्रेस क्या है स्टेटस को। तब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो आपने देना है। उसके बाद पासवर्ड जो आपने रखा है उसके जरिए आप साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आए, उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी फॉर्म की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म देनी है और यहाँ पे क्या देना है, पासवर्ड देना है। उसके बाद क्या होगा कि साइन इन करके आप फीस सबमिट लेटर भी कर सकते हो या कोई भी एडिट चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके फॉर्म, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपने कोई प्रोसीजर या आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। थैंक्स।